पाखी बोलने वाली है फिर से बहुत बड़ा झूठ, जिसकी वजह से हो जाएंगी बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह पाखी जो है अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आएगी और इसके बाद कुछ ऐसा बोल देगी जिससे वनराज जो है वो अनुपमा पर भड़कता हुआ आएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहां बेचारा अधिक है वो अनुपमा और अनुज से मदद मांगने के लिए पहुंच गया है, लेकिन वहां पर भी अनुपमा परेशान हो जाती है। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होने वाला है। दोस्तों सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह पाखी और अधिक के बीच में जमकर लड़ाई होती है। अब लड़ाई किस वजह से होती है ये तो आप लोगों को पता ही है, कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरह से काम की वजह से इन दोनों की लड़ाइयां चल रही है। अब जब पाखी और अधिक की लड़ाई चलती है तो अधिक बेचारा तब भी शांत बैठा होता है, लेकिन पाखी जो है अधिक पर हमला कर देती है और अधिक की आंख के पास चोट लग जाती है। जब अधिक की आंख के पास चोट लगती है तो अधिक को भी पाखी पर गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चला जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। फिर बस क्या था, पाखी जो है फिर से अपना नया ड्रामा बना लेती है और पहुंच जाती है वनराज के पास, क्योंकि पाखी ये बात अच्छे से जानती है कोई सपोर्ट करे ना करे लेकिन वनराज जो है वो हमेशा पाखी का सपोर्ट करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह अनुपमा और अनुज के पास पहुंच जाता है अधिक और अधिक सब कुछ बता देता है कि मैं पाखी से थक गया हूं, मैं पाखी के साथ रिलेशन में अब नहीं रह सकता। अनुपमा भी इस बात से परेशान हो जाती है और अधिक की ऐसी हालत देखकर अनुज और अनुपमा दोनों घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वनराज जो है वो तो उल्टा अधिक पर ही भड़कने लगता है, क्योंकि पाखी जो है सबके सामने घर में जाके झूठ बोल देती है कि अधिक ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। ये बात सुनकर वनराज जो है अधिक को चैलेंज करता है कि अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज जो है वो अधिक का साथ देते हुए नजर आने वाले हैं। बस अब इनको देख के तो ये लग रहा है कि फिर से सीरियल में कोई बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि अब अधिक का सपोर्ट जो है वो अनुपमा करेगी तो वहीं दूसरी तरफ वनराज जो है वो अपनी बेटी पाखी का सपोर्ट करेगा। अब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की फिर से टक्कर होने वाली है। अनुपमा और वनराज की टक्कर देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको इससे पहले ये भी बता दे कि पाखी के ड्रामे यही खत्म होने वाले नहीं है। पाखी जो है जाकर बिस्तर पर रोने लगती है, जहाँ काव्या जाती है और उसे समझाती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कोई बड़ा स्टेप ले लो। अब भाई जहाँ पूरा परिवार तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बा और बाबूजी ये बात अच्छे से जानते हैं कि पाखी कितनी खतरनाक है। बा और बाबूजी जो है वनराज को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपनी पाखी की भी गलती देख, पाखी की ही सारी गलती होगी, ऐसा नहीं है कि हमारी पाखी बच्ची है और हमारी पाखी भी बहुत शैतान है, ये तो बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन वनराज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर से तोशु और केंजल के बीच में भी बहुत सारे बवाल होने वाले, क्योंकि केंजल जो है वो कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम जाकर अपनी बहन पाखी का ही सपोर्ट करो और मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी जो है वो पाखी की तरह बने। अब इस बात पर समर जो है वो भी केंजल का साथ देता है और कहता है कि हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही है कि पाखी ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि पाखी बहुत शैतान है। वेल, इस ट्रैक को देखने के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें।